जैसे दर्द छुपा के बैठे, जैसे कोई जमाना। आप और रिज़्मा भाभी भी तो लड़की देख रही थी ना अकेले, मिल जाती, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि खाला अम्मी को मैं चाहिए थी, अपनी बेटी का रास्ता जो साफ करना था। मुझे तो लगा था कि ये दोस्ती जो है आगे जाके प्यार में तब्दील हो जाएगी। तो हमने मुझे धोखा दे दिया ना। बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी, मुझे अबू धाबी के एक पेट्रोलियम फर्म से जॉब ऑफर आई है। जाने के यहाँ सब छोड़ छाड़ कर चले जाओगे तुम? जब यहाँ इतनी अच्छी जॉब चल रही है तो फिर सबको छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? यहाँ से 10 गुना अच्छी सैलरी और पोजीशन है। मारिए कहाँ है? असल में जवाद आया हुआ है ना कराची काफी दिन बाद, तो मारिया उसी के साथ है। हरीबा का ख्याल है कि मारिया शादी के बाद सब भुला देगी, ये तो मुझे भी पता है। इसके पास और भी चारा भी नहीं, कोई परेशान ना हो तो इंसान समझौता कर ही लेता है। लेकिन सारी उम्र इसके साथ ये कैसे गुजार सकता हूँ कि उसने हमारी शादी की बुनियाद ही झूठ पे रखी थी। मुझे तो लगा था कि ये दोस्ती जो है आगे जाके प्यार में तब्दील हो जाएगी, तो हमने मुझे धोखा दे दिया ना। जब कोई किसी और को पसंद करता है और रिश्ता कहीं और तय हो जाए तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगता है। काश मारिया ने मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट किया, और अगर वो मुझे सब कुछ खुद बता देती तो मैं आज इतना बिट्रेड फील ना करता। क्यों मारिया, क्यों? अच्छा, आपके पास बैकअप जनरेटर है ना? ले जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह परसों मुलाकात होती है। आप इंशाल्लाह, मैंने हट बुक करा दी है परसों के लिए, आप प्लीज नाइमा खाला को कॉल करके इनवाइट कर दें, इंशाल्लाह हम बीच जा रहे हैं। एक्सेलेंट, पिछले साल भी तुम्हारा फैमिली पिकनिक कैंसिल हो गया था ना? हाँ, वो सोबिया बेड रेस्ट पे थी ना। और आप लोगों को खाने की अरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने वहीं पे सब कुछ सेट करा दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। मैं तो सोच रही थी कि इस वीकेंड सबको बुला के घर पे ढोलक रख लूँ। बिल्कुल, ढोल हम साथ ले जाते ना, वहीं कर लेंगे बीच ढोल की। ग्रेट आइडिया। आप बल्कि नहीं, मैं खुद उज़्मा भाभी को इनवाइट कर देता हूँ, और अरीबा तुम खाला अम्मी को बुला लो ना, बल्कि उनसे कहो कि रात यहीं पे गुजार लें, सुबह तैयार होके हमारे साथ ही चली जाएंगी। ठीक है, मेरा फोन चार्ज पे लगा है, मैं बता के आती हूँ। बहुत अच्छा होगा, अभी तक मैं फहद भाई से प्रॉपरली मिल ही नहीं सका, आज भी जब हम आए तो वो फौरन चले गए। फहद आया था? जी जी, जब हम आए तो वो यहीं थे। फहद, मेरी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें,
अगर रिहान और खाला अम्मी को पता चल गया कि मैंने आपको सब सच बता दिया तो मेरे साथ क्या सलूक होगा, आप समझ सकते हैं ना। मेरा वादा है आपसे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर आप ऐसे मुझे कॉल करना छोड़ दें। I'm really sorry. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं। मुझे लगा शायद आपसे बात करके मैं कुछ फैसला कर सकूंगा। ऐसे बात करना बहुत रिस्की है। परसों हम मिल रहे हैं ना, परसों बात करेंगे। लेकिन प्लीज तब तक आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ओके ठीक, खुदा हाफिज़। ओके लोग ठीक ही कहते हैं, ये बाहर पलने वाले बच्चे बिल्कुल ही बुद्धू होते हैं, आसानी से उल्लू बन जाते हैं। मारिया मैडम, अब तुम्हारे लिए तो अंगूर खट्टे हैं बल्कि जहरीले हैं। हेलो अम्मी। नूर मेरी प्यारी गुड़िया रेडी होके जाने के लिए। चलो अब बाबा के पास रहो, आप इसको देख ले, मैं चेंज कर लूं। जाओ चेंज करो। अरे कितने प्यारे लग रहे हैं हम आज। भीग जाएंगे भीग। हाँ नहीं, इतनी प्यारी हैट पहनी है ना। अरीबा, फाहद का मैसेज आया था। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। क्या ये तुम्हारी इतनी फ्रैंकनेस कब से होगी फाहद के साथ? श्रेयान, अच्छा क्या आपने खुद ही देख लिया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आपको कैसे बताऊं, बताऊं भी या खामोश रहूं, क्या करूं? क्या मतलब, ऐसी ऐसी क्या बात है? वो फहद भाई का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अजीब सा है। वो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील करवाते हैं। मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन तो बताया क्यों नहीं? तो परसों ही बता देना चाहिए था, जब वो ये जानते हुए कि तुम अकेली थी इस घर में आया था। श्रेयान वो अरीबा अम्मी को बता देती, मुझे मुझे बता देती। ये तो जवाद अगर इस बात का जिक्र ना करता तो हमें पता भी ना चलता। I'm sorry. अरे वाह, तुम्हें एतबार नहीं है मुझ। अगर कोई परेशानी थी तो शेयर करती ना। कैसे बताती मैं आपको? मारिया के शोहर का मामला है, नया नया रिश्ता जुड़ा है और आप सब कितने खुश हैं ना, और नम्मू खाला कितने चाह से उसे अपनी बहू बनाकर लेकर जा रही। इसमें मैं कुछ कहती तो मामला बिगड़ जाते ना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने क्या क्या कहा तुमसे, क्या बात क्या की है? कुछ नहीं, बस मैंने कहा मैं घर पे अकेली हूं, कोई नहीं है, तो कहने लगी जानता हूं। मजाक मजाक में अजीब सी बातें की जाती हूं। मसलन ये कि कहने लगी रेहान तो बहुत लकी है, उसे पहने से भी ज्यादा यंग और खूबसूरत लड़की मिल गई बीवी के रूप में। और ये चिप, मैंने अपना नुकसान किया है बहुत बड़ा उनका प्रपोजल रिजेक्ट करके। प्लीज यार,
रेहान बैठी, अब कोई बात नहीं करेंगे, मैं इसीलिए आपको कुछ नहीं बता रही थी। खाला, अम्मी, मारिया और नमो खाला की खुशी का सोचें, और फिर हो सकता है मुझे कोई गलत फहमी हुई है। ऐसे रिश्तों में हंसी मजाक तो हो ही जाता है ना, और फिर उन्होंने कौन सा यहाँ पे रहना है। मारिया खुश तो हम खुश, इसीलिए चुप थी मैं। नूर को लेके बाहर जा रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ। इसे कहते हैं उल्टी चाल गलेपन। वहां फहद और यहां रेहान इस वक्त दोनों चलते फिरते टाइम बॉम है। बच गई अरीबा, फिर बच गई। आ बेटा, ए उठ के मेरी कोड़ी क्या? अरे तो ये मेरा रो रही है, और मेरा बच्चा, इसको भूख लग रही है, मैं इसको फीडर देती हूँ, दे दे। रूम में इसका फीडर। ओके। जवान, चाय पी लो। नहीं, चाय नहीं पीऊंगा मारिया, एक अच्छी सी कॉफी बना दो मुझे। अरे हाँ मारिया, मैं आते हुए ना कॉफी के साशे लेकर आई थी, देखो किचन में होंगे, कैटल तो यहाँ पे होगी ना, बना दो सबको कॉफी। बना दो ना कॉफी। चलो रुक जाओ, मैं जल्दी अभी बना के तेरी सबर करो। जाने माँ मुझे कॉफी पिला दे। तो बस यही चीजें चलती रहती है। फहद, मैं जानती हूँ आपके साथ गलत हुआ है, पर ट्रस्ट मी, इसमें मारिया की भी कोई गलती नहीं है। हमारे यहाँ अगर लड़की से पूछा भी जाए तो उसे इनकार की गुंजाइश नहीं दी जाती, बस ये फर्ज कर लेते हैं कि लड़की से उसकी मर्जी मालूम कर। I know. मैं तो चाहता था कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा दोस्त, मेरा कंपेनियन की तरह हो, लेकिन मारिया ने तो शादी से पहले ही इतना कुछ छुपाया, पता नहीं शादी के बाद क्या करती। पर वो आप अम्मी को देखें, वो शादी से इतना खुश है, मेरी शादी की खुशी से ज्यादा उनको खुशी इस बात की है कि वो अपनी बहन की बेटी को घर पे ला रही। फादी बेटा। जी मैं। मेरा बच्चा मेरे बैग से मेरा मेडिसिन पहुंच रहा दो। मैम आज तो मैं मेडिसिन खाना ही भूल गई हूँ। यार प्लीज तुम लुबना से बात तो करो ना, मुझे अनब्लॉक तो कर दे वो। यार जवाब, तुम लोग अपने मैटर में हमेशा मुझे क्यों बोलते हो कि मैं हैंडल करूँ, खुद क्या करोगे चीज है। तुम मेरी फेवरेट कजन हो और वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम हमारी हेल्प करो यार। प्लीज मेरी हेल्प करो ना यार। चीज जवाब, मैं क्या बात करूंगी उससे, तो प्लीज यार तुम बात तो करो ना। मैं क्या बात, क्या कर रहे हो तुम? बात भाई, मैं तो मारिया से तेरे बात कर रहा था।
और तुम कब तक तुम इज्जतदार बनने का ड्रामा करती रहोगी? फहद भाई बस, तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं मारिया से बात कर रहा हूं। घटिया आदमी घटिया ही सोच रख सकता है। मारी हिम्मत कैसे मेरी मासूम बहन के बारे में ऐसी नीच सोच रखने की? रेहान बेटा क्या हो गया? तुम जैसा ही भाई होते हैं जो अपनी बहन को किसी के भी पल्ले डाल देते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है? आप इन दोनों से पूछे ना कि क्या रोमांस चल रहा था। क्या मारिया? मैं सुपर पर कॉफी बनाई थी और कुछ नहीं। चुप कर जाओ मारिया, बात आगे बढ़ जाएगी। जुबान संभाल कर बात करो तुम। तुम्हारी बकवास के बदले में मेरे पास भी बहुत कुछ है बोलने को। खाला समझाए इसको वरना मेरे मर तेरा। क्या वरना? वरना क्या? इस नेचर के बारे में मुझे पहले पता होता ना, मैं ये रिश्ता कभी भी ना होने देता। सेम, मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आज इस गलती को सबके सामने ठीक कर दूंगा। सॉरी अम्मी। मारिया अली, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। नहीं, नहीं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। फहद, हार गए सब कुछ फिर भी दिल ना माना। इत्थे सब पत्थर दिल देने किसे नू खौफ नी टुटने दा। इत्थे सब हसके मिल देने लगदा है शौक टुटने दा। इत्थे सब पत्थर दिल देने खौफ नी टुटने दा। इत्थे सब हस के मिलदे ने लगदा है शौक टुटने दा। शहर वफा में लूट मची रे, लिपट वफा में सोग मिले रोग मिले है सोग मिले तो शक्लो वाले लोग मिले। फताबा मैं जानती हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मगर देखिए ना आंखों देखिए मक्खी कौन नहीं गलता भला। मैं मुखाला, आप मेरी बड़ी हैं लेकिन इस घर का बड़ा मैं हूँ, और अपनी बहन के बारे में मैं ऐसी कोई बात नहीं सुन सकता। अब कहने और सुनने को रह भी क्या गया है? ये मेहर की रकम का चेक है, निकाह पर उसके बाद जो कुछ भी दिया गया वो हमारी तरफ से मारिया के लिए है। हमें इसमें से कुछ भी वापस नहीं चाहिए। लेकिन मुझे चाहिए। हमारी इज्जत, मेरी बहन की बेगुनाही और फहद के लगाए बोहतान का कफारा, लेकिन आप लोगों से नहीं, अल्लाह से। बद्दुआ मत दो, अरमान तो हमारे खाक हो गए। शौहर के सामने और ससुराल के सामने मैं बेइज्जत होकर रह गई, और फिर मियां तुम्हें अगर इतनी ही बहन से मोहब्बत थी तो फिर उसके पसंद से रिश्ता करते ना, निकाह किसी और से और पसंद किसी और को करना। मोहरा मैं
रिश्ते नाते मोहब्बतों के होते हैं और मेरी तरफ से अब तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर रिश्ते खत्म ही हो गए हैं तो फिर चली जाए यहां से, इससे पहले कि मैं तमाम लिहाज भूल जाऊं। ये बात नहीं चाहिए मैं आपसे कुछ भी। जो आपका सामान है ना वो भी हम भिजवा देंगे, किसी यतीम बच्ची के काम आ जाए ना तो शायद आपके बेटे के गुनाह कुछ काम हो जाए। आज जब नमो खाला आर्या के बारे में बकवास कर रही थी, दिल जा रहा था सब बता दो उन्हें। क्या वारा मेरी बहन नहीं उनका बेटा है जिसे तमीज नहीं है कि घर की औरतों से कैसे बात करते हैं। तुम अगर ऐसे कमरे में बंद रही तो तुम सोचो खाला मेरे पे क्या गुजरेंगे। क्या करूं भैया, मुझे खौफ आता है, इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, अम्मी के पास नहीं जा सकती, सबसे अच्छा था तो मैं मर ही जाती। ऐसे मिलते हमको जैसे कोई अनजाना। हमने जवाद से बहुत सख्ती से पूछा है, उसने तो बावजू होके कुरान पाक पे हाथ लगा लिया कि फाद ने उसे गलत समझा। उसके और मारिया के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब जानते हैं भाभी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हाथ ने शक किया भी तो कैसे, लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है जब हाथ के कुछ भी कह लेने से जो हो गया वो बदल जाएगा क्या। पता नहीं इस घर को किसकी नजर लग गई है, हर खुशी गम में बदल गई है। इस वक्त हरिया को संभालना तो खाला अम्मी को संभालने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। तुम परेशान मत हो, तुम बहुत हिम्मत वाली हो अरीबा, इतनी खुश असलूबी से तुमने पूरे घर को संभाल के रखा है। क्या करूं भाभी, कैसे ना करूं, ये सब किसी डरावने ख्वाब से भी ज्यादा भयानक लग रहा है। अब यहाँ क्यों आ गए, कुछ चाहिए क्या? यार प्रेशर बहुत लो हो गया अम्मी का। कमाल करते हैं, इस हालत में उन्हें अकेला छोड़ा है। क्या करूं मैं, से नहीं देखी जा रही है उनकी आदत, देखनी पड़ेगी। हम ही हैं जो उनको संभालेंगे और कौन है। मैं भी जूस दे के आती हूँ उन्हें। उस्मा भाभी ये सूप बस 4-5 मिनट में हो जाएगा, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। हाँ मैं आ देख ली। हाला अम्मी, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अरीबा इस घर में है। रेहान, इफ़त फुप्पो सच कहती थी कि इस घर को सिर्फ अरीबा ही की जरूरत है। पता है रेहान, सारा दिन एक पैर पे खड़े होकर सारे काम करती है और रोती रहती है। पी ले रहा। मारिया,
मारिया, मारिया दरवाजा खोलो। भैया प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मम्मी के पास जाओ। खाना अम्मी कब से तुम्हारा पूछ रही हैं? किसी और का नहीं तो उनका ख्याल करके थोड़ा खाना खा लो। अच्छा दरवाजा तो खोलो, मुझे अंदर तो आने दो। नहीं खाने मुझे खाना। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे इस वक्त किसी से भी कोई बात नहीं करनी है। अब सब लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। से ऐसे ही बंद रहने दे, आदत है इसकी। जब भी इसे डांट पड़ती तो ऐसे ही खुद को बंद कर लेती थी। और फिर अभी तो क्यामत है उस। कब से बंद है, मुझे टेंशन हो रही है। मैं जानता हूँ उसे नहीं खोलेगी वो दर। इस वक्त तो उसे हमारी जरूरत है, उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना हम। रिबा हम सब उसे मनाते थे अबू तक, लेकिन वो दरवाजा तब भी खोलेगी जब जब वो खुद को मजबूत महसूस करेगी। और हम क्या समझाएं उसे, हम तो खुद टूटे हुए हैं। खाला अम्मी को मुश्किल से रोने वाले खिनाई, ये तो कल से भूखी है, क्या करूं। बैठो। खाना खा लो। आज जब नमो खाला मारिया के बारे में बकवास कर रही थी, दिल जा रहा था सब बता दो उन्हें। त्यौहारा मेरी बहन नहीं उनका बेटा है, जिसे तमीज नहीं है कि घर की औरतों से कैसे बात करते हैं, उन पर बुरी नजर नहीं डालते हैं। ये बात आप उनसे ना ही करें तो वही बेहतर है। अब तुम जानते हैं ना, खानदान वालों को भात का बतंगड़ बना देंगे। हो सकता है छुपे इल्जाम लगाते। अभी तो हम मारिया पर लगे इल्जाम की हजार बार सफाई देंगे, ऐसे में किसी ने मुझ पे कीचड़ उछालते हैं तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसी बात की वजह से है खून के घून पिए बैठा हूं मैं, इसी वजह से चुप हूं मैं। समझदारी इसी में है रेहान, तो लड़के वाले हैं ना, हमें तो भूख भूख के कदम रखना होगा। मारिया की सारी जिंदगी का सवाल है। अल्लाह हमारी मारिया को ढेरों खुशियां अता करे। आमीन। सुमा खाना खा ले। अभी से पैकिंग कर रहे हो तुम हैं? अभी तो दिन है तुम्हारे जाने में। मदद करवा दूं पैकिंग में? ये लो। ये क्यों? ये मेरे करंट अकाउंट का कार्ड है, इसमें 5 लाख रुपए पड़े हैं। वैसे हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, जितने चाहिए निकाल देना। कुछ चेक भी साइन कर दिए मैंने। अब मैं इसका क्या करूंगी? मैं और बच्चे तो इतना मिस करेंगे तुम्हें। ये तुम अपने पास ही रखो। ये घर के खर्चे के नियम, तुम्हारे और बच्चों के लिए हर महीने 1 लाख रुपया भेजता रहूंगा, जैसे चाहो खर्च करूंगा। मैं क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? एक भाई के दम से ही तो मुझे इतनी ढारस रहती है। अम्मी भी ना सच कहती है, भाई अपनी बहनों के लिए जितना भी करे ना, उन्हें लगता है कि कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा भी ना बिल्कुल यही हाल है। अम्मी और बच्चों का ख्याल रखना, बहुत मिस करूंगा तुमसे। पर तुम ना बिल्कुल इत्मीनान से जाओ, मैं सब चीज़ों का ख्याल रख लूँगी, सब कुछ कर लूँगी।
वहां जाके ना हमारे लिए बिल्कुल उदास मत होना, दिल लग जाएगा। इतनी अच्छी जॉब है, बस उसी पर फोकस करना। असल चीज तो पैसा ही है ना। तुम्हें क्या समझाऊं, हम सब तो मामू के हाथों भुगते ही हुए हैं ना। दफा करो उन बातों, मैं वो सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मिट्टी डालो इन बातों पर। तुम अपना मूड खराब मत करो, खुशी खुशी जाओ। नायमा ने तो किसी भी बात की लाज नहीं रखी बड़ी बाजी। होनी को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन कम से कम अपने बेटे की गलती तो मान लेती वो। जब इंसान का नसीब भी बिगड़ा हो ना, तो लोगों को बदलने में देर नहीं लगती है। अब तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं। देखिएगा आप, मारिया की हाय लगेगी उसको। अच्छा नहीं किया उसने मारिया के साथ। मारिया ने दरवाजा खोलो। क्या होगा हमारी मारिया का? मेरी जान, मैं जानती हूं कि तुम जाग रही हो। बात करो ना मुझसे प्लीज मारिया। क्यों क्यों? हाँ, आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ है? क्या कसूर था मेरा? नहीं मेरी जान, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। गलती हमारी थी कि हम उस साइको को पहचान ही नहीं पाए। फहद ऐसे बिल्कुल नहीं थे। क्या हो गया उन्हें? उन्होंने ये तक नहीं सोचा कि अगर मैं उनसे बात नहीं करती तो किसी और से। और जहां तक जवाब की बात है, वो तो भाइयों की तरह ना मेरे, तुम लोग जानते हो ना। जवाब बिल्कुल वैसी है जैसे रेहान भाई है मेरे लिए। जानती हूँ मैं, जानती हूँ। हम सबको तुम दोनों पे यकीन है, लेकिन क्या करें? नायमा खाल अपने बेटे को बचाने के लिए हर जगह तरह तरह की बातें कर रही हैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम हैं ना तुम्हारे साथ। ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे किसी के सामने जाऊंगी। खानदान के लोग, बाहर के लोग, कॉलेज के लोग, उन सब की तो नजरें ही मुझे खा जाएंगी ना। मेरी जान, नसीब में जो लिखा था वो हो गया। अब आगे के सोचो। तुम जितना डरो कि दुनिया तुम्हें उतना डराएगी, लेकिन हाला मी, रेहान, मैं, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। मैं रहूंगी तुम्हारे साथ। तुम जाती नहीं हो, मेरा दिल कितना पड़ रहा है ये सब सोच सोच के। लेकिन तुम अगर ऐसे कमरे में बंद रही तो तुम सोचो हाला मी पे क्या गुजरेंगे। क्या करूं भैया, मुझे खौफ आता है। इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, अम्मी के पास नहीं जा सकती। सबसे अच्छा था तो मैं मर ही जाती। ऐसी बातें नहीं करो, कभी सोचा तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा? और हिम्मत हार के तुम तो शायद फिर भी जी लो, लेकिन खाना अम्मी, खाना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो क्या करोगी तुम? बताओ, जी लोगी उनके बगैर? उनकी जुदाई सह सकती हो तुम? मेरे को क्या हुआ अम्मी, ठीक है? एक महा इतना बड़ा दुख कैसे बर्दाश्त कर सकते? उस पर तुम भी यूं कमरे में बंद बैठी रो रही के बारे में सोचो ना।
मिर्जा अपनी रोना हाँ हाँ मैं ना तुम्हारे साथ माँ मर गई है क्या ना? जो असजद ने कार्ड तुम्हें थमा दिया अब इतनी सी बात पे मुंह बना रही है कार्ड आपको दे या मुझे बात तो एक ही है ना रख लें आप हाँ लेकिन फिर मुझे मत कहिएगा कि पैसे निकाल कर लाओ अरे हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं अरे तुम्हें दिया ना तुम्हें हिसाब रखना मगर मिजाज देखो ना जब से अमरीका से आया हमसे दूर दूर रहने लगा हम तो ये कह रहे थे तो ये भी मेरा कसूर है ए? आप दोनों माँ बेटे के बीच की बात है मैं छोटी हूँ आप दोनों से ना बीच में बोल लो बनता नहीं है कोई लाखों करोड़ों नहीं है मुश्किल से लाख सवा लाख होगा उसी में गुजारा करना है सारा बस इतने अरे तुमने कहना था ना कि 1000 रुपए तो अम्मी के दवाओं और टेस्टों पे लग जाते हैं ऑफिस से तो कुछ मिलेगा नहीं तो क्या होगा हाँ वो ये तो बोला था ना मैंने कि ये भी बोल दिया कि आपसे नहीं हो पा रहा तो बता दीजिए अपनी माँ के लिए मैं कर लूँगी खुद ही हमारी गुड़िया कितनी प्यारी हमारी बच्ची तो फिर क्या कहा तुम्हारे भैया ने बोलती बंद हो गई हाँ फौरन से पैसे ट्रांसफ़र किए देखना शाम तक 4.5-5 लाख आ ही जाएंगे देख ये फ़र्क है ना बेटे और बेटी में जीती रहो पान खा के ना मुझे प्यार मत किया कहता गंदा लगता है तो चल मैडम बन जाती है अब मैं प्यारी अम्मी तो बेटा भी इतना बड़ा अफसर हो भी इंटरनेशनल है आप भी तो पूरी मैडम बनेगी ना पॉलर ले जाऊंगी आपको है वल बेगम साहिबा तन बिरयानी बहुत ही अच्छी बहुत ही मजे की बहू बस भाभी क्या बताएं ये हमारी ही गलती थी कि नायमा पे इतना भरोसा किया उसको अपना समझा और जल्दी में निकाह कर दिया जी नहीं नहीं भाभी आप लोग अभी मत आइएगा बड़ी बाजे की हालत ऐसी नहीं है कि वो किसी से मिल सके जी जब उनकी तबीयत ठीक होगी मैं आपको खुद बता दूंगी अल्लाह हाफिज बड़ी बाजे मैंने सबको आने से मना कर दिया बहुत अच्छा किया है नुको मुझे नहीं मिलना किसी से भी ये रिश्तेदार जख्मों पे मरहम कम और नमक ज्यादा छिड़कने के लिए आते हैं मुझे तो सिर्फ अपनी मारिया की फिक्र तेरी मासूम बच्ची बस बेटा रोना नहीं है कुछ बुरा नहीं हुआ ये तो अल्लाह का बड़ा करम हो गया कि उन्हों की फितरत हमें पहले पता चल गई वरना नको अचानक अमरीका ने जाके मेरी बेटी को किस तरह से अज़ियत देते तो अरीबा मुझे कमरे से बाहर लेकर आ गई वरना मैं तो वरना कमरे में ही मर जाना चाहती थी बस जो हुआ सो हुआ अब मैं उन बदबख्तों का नाम भी अपने घर पे नहीं सुनना चाहती बस मेरी बेटी मेरे पास आ गई है और कुछ नहीं चाहिए Thank you.